हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने करेंगे बच्चों क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्रीवियस वीडियो का, वो आप देख लीजिएगा। अब अपने करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए अपने को क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are given। अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा बच्चों कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है या जो द्विघात समीकरण बनानी है उसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, दिस मीन्स सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ये देखो ये जो माइनस थ्री है ना बच्चों, ये आपको क्या गिवन है, ये है क्या माइनस थ्री है बच्चों, सम ऑफ जीरोज। ये जो आपको माइनस थ्री और टू दे रखे ये अल्फा बीटा नहीं है, ये है बच्चों सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको, माइनस थ्री, और अल्फा इंटू बीटा जिसको अपने कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या मूलों का गुणनफल कितना गिवन अपने को, टू गिवन है बच्चों। इसको अल्फा बीटा मत मान लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पहली वाली डिजिट है सम ऑफ जीरोस और दूसरे वाली डिजिट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले वाली है अल्फा प्लस बीटा, दूसरे वाली है अल्फा इंटू बीटा। जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम ऑफ जीरोस या और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, इन दैट कंडीशन हाउ वी डिफाइन इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस कंडीशन में अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला है, सिर्फ वो फॉर्मूला याद करना है आपको, वो अप्लाई करना है आपका आंसर आ जाएगा। वो फॉर्मूला है अपने पास बच्चों, अगर वो कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है फिर तो पीएक्स के इक्वल लिख लेना है इसको। पीएक्स इक्वल बाहर लिखोगे के, के एक है कॉन्स्टेंट है कोई भी, सिर्फ के ही लिखना है आपको हमेशा के। फिर आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहले दोनों का देखो, पहले एक्स स्क्वायर लिख देना, फिर जब दोनों को जोड़ो तो उनके बाहर माइनस का साइन आएगा और एक्स आएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉलीनोमियल। अगर वो कहे कि इक्वेशन बनाओ तो अपने इसको जीरो के बराबर रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, पी एक्स के बराबर रख देंगे तो पॉलीनोमियल। तो याद करो इक्वेशन क्या होगी, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बन गया पॉलीनोमियल। अगर अपने इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखना चाहते, कुछ वर्ड में लिखना चाहते तो वर्ड में हो गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस या मूलों का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अपने ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वो इक्वेशन या पॉलीनोमियल बनाते हैं। मैं पीएक्स के इक्वल लिख देता हूं उसको, पीएक्स इक्वल पहले बाहर क्या है के, ये देखो के लिख दिया मैंने, फिर ब्रैकेट, फिर एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस लिख दिया माइनस, फिर देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है माइनस थ्री, तो देखो बच्चे ये माइनस लगा हुआ है और एक माइनस थ्री ओवर आ गया, ये माइनस थ्री ऐसे लिख दिया, फिर क्या है एक्स, ये एक्स लगा दिया, फिर क्या है प्लस, ये देखो प्लस आ गया, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है बच्चों अपने को टू, तो देखो बच्चे ये मैंने टू लिख दिया और ये आपका बस आंसर कंप्लीट होने वाला है। ये के एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या बन गया थ्री एक्स प्लस में टू, ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया। लेकिन अगर वो कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो और भी सिंपल है बच्चों, इसको जीरो के बराबर रख दो बस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, तो ये के तो जीरो हो नहीं सकता तो कौन जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस में टू इक्वल जीरो, तो ये आपका क्या आंसर आ गया, ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये प्रीवियस उन्होंने बनाया है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाया है, ठीक है। अब अपने करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आसान है, देखिए आप सेकंड पार्ट बुक में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको यहां पर इसके सेकंड में गिवन है रूट टू एंड वन बाय थ्री। देखो बच्चों इसका सेकंड है अपने पास रूट टू कॉमा वन बाय थ्री, तो
तो सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है बच्चों आपको रूट टू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/3। तो बस आपको इसके अंदर पुट करना है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस की जगह क्या लिख देते हैं अपने, देखो पहले फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूले वाला, फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, रूट टू लिख दिया, ये रूट टू लिख दिया बच्चों देखो, ठीक है। इसके बाद क्या है अल्फा इंटू बीटा या प्रोडक्ट की तरह दिया अपने को 1/3, तो ये लिख दिया 1/3 लिख दिया बच्चों। अब इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद इनके अपॉन में देखो 1 है और ये क्योंकि फ्रैक्शन आ गया तो 3 इसका क्या ले लिया करो, एलसीएम ले लो इसका, 3 क्या आ गया एलसीएम, तो ये 3 इधर एक्स के पास जाएगा 3x2 और 3 इधर रूट टू के पास भी जाएगा तो माइनस के, ये बन गया 3√2 और ये एक्स प्लस 1। एक तो ये क्वेश्चन बच्चों यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन अगर आपको ये अपनों ने क्या बनाया पॉलिनोमियल बनाया है, लेकिन अगर अपने क्या बनाना चाहे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे अपने, तो जो के ये 3 जो है के अपॉन में लगा देता हूं बच्चों वहां 3x2 − 3√2x + 1 इक्वल 0, तो k/3 इधर 0 के पास चला गया 0 हो गया, रह क्या गया 3x2 − 3√2x + 1 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इससे प्रीवियस क्या बना था बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना था। बस ये सिंपली ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ और आपके आंसर्स आते जाएंगे, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड देखिए इंपॉर्टेंट है थर्ड, इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप इजीली कर लोगे, फॉर्मूला इजी है इसे याद कर लीजिएगा। मैथ्स के अंदर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे मैथ्स उतनी ज्यादा आपके लिए इजी होती जाएगी। थर्ड है बच्चे अपने पास इसका 1/4, 1/4 बिल्कुल इजी है, 1/4 सम भी है और प्रोडक्ट कितना है 1/4, तो px लिखो k फिर ब्रैकेट x² − α + β की जगह क्या रखेंगे बच्चों 1/4, x एज इट इज अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/4। अब इसमें आप क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए बाहर k एज इट इज, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 4 क्योंकि x² के अपॉन 1 है, 1/4 का एलसीएम 4 और 4x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² इधर माइनस का 1x और ये प्लस का 1, ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ये पॉलिनोमियल बन गया। अगर आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो ये k/4 तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 4x² − x + 1 = 0, तो k/4 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए क्या 0 हो जाएगा बच्चों 4x² − x + 1 = 0 और ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कब, जब आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो क्वेश्चन में गिवन हो। तो ये इजी है थर्ड इसका बच्चों। इसके बाद अपने देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, बुक में फोर्थ पार्ट है 0, 0√5 है बच्चों अपने पास, तो 0 सम दिया है और प्रोडक्ट क्या दिया बच्चों √5, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अपने, देखिए फॉर्मूला बच्चों अपने पास ब्रैकेट के बाहर के लगा दिया मैंने x² एज इट इज और −α + β दिया बच्चों आपको 0, तो ये देखो 0 लिख दिया मैंने, फिर x ये x लिख दिया, फिर प्लस लिख दिया, प्रोडक्ट की तरह दिया √5, तो देखो बच्चों x² एज इट इज 0 को x से करेंगे 0 हो जाएगा, क्या रह गया सिर्फ प्लस में √5, तो ये अपने पास क्या रह गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आप क्या करोगे, इसको 0 के बराबर लिखोगे और x², ये k तो 0 होगा नहीं, तो क्या बन जाएगा x² + √5 = 0, ये आपके पास क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या बन गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इसका ये सेकंड क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।